बाकला की दोस्तों खेती करने के लिए दोस्तों हमको दोस्तों मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों और तैयार करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि मिट्टी में बोकला को डाल देंगे। ये बोकला दोस्तों करीब करीब 6 दिन का पौधा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये 6 दिन का पौधा है दोस्तों, बोकला पौधा है दोस्तों, ये 10 दिन का बीज है दोस्तों। ये फूलने लगता है, ये भी करीब करीब उतने ही दिन का पौधा है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों आज मैं आपको बाकला की खेती के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम बाकला कोई ज़मीन में बोते हैं और यह लगभग 7 से 8 दिन में जम जाता है, फिर इसका पौधा निकल जाता है, फिर पौधा बड़ा हो जाता है और लगभग 1 महीने में इसमें फूल लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों फूल लग जाते हैं दोस्तों, और इसी फूल में दोस्तों फल लगते हैं, इसी फूल में फल लगते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसका फूल है दोस्तों, और इसी में दोस्तों फल लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 1 महीने में फूल आ जाता है और इसी में बकला फली लग जाती है। इसका प्रयोग सब्जी में किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है फावा। यह विश्व भर में उगाया जाता है, इसकी खाद्य फलियां और बीज बहुत ही उत्पादक होते हैं। बाकला की सब्जी को आलू में बनाया जाता है। बाकला की सब्जी बनाने के तरीके दोस्तों, तो बाकला के फली को हम सर्दियों के मौसम में मिलता है, इसमें विटामिन आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। बाकला में फलियां को हर दोनों तरफ से हम इसको इसके रेशे को निकालते हैं, और रेशे निकालने के बाद फलियां को अलग छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो दोस्तों हमने बोकला के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसका पौधा दोस्तों तो आप लोग देखे ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों खेती करने के लिए हम बोकला को ज़मीन में बोते हैं दोस्तों, और यह लगभग 7 से 8 दिन के अंदर जम जाता है, फिर इसका पौधा निकल जाता है, फिर पौधा बड़ा होता है और लगभग 1 महीने में इसमें फूल आ जाते हैं, इसी फूल में बकला फली लग जाती है। इसका प्रयोग सब्जी में किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम बेसिया फावा है। यह विश्व भर में उगाया जाता है, इसकी खाद्य फलियां और बीज उत्पादक के लिए अच्छे होते हैं। बकला की सब्जी को आलू में बनाया जाता है। बकला आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो बकला आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए बाकला की फली सर्दियों के मौसम में मिलता है, इसमें आयरन विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। बाकला में फलियां को हर दानों के ओर से इसकी रेशे को निकालते हैं, और फलियां को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट अपने हिसाब से आलू ले लेते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, पैन गर्म हो जाता है जिसमें से हम तेल डाल देते हैं, और जीरा 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, थोड़ा हींग और नमक, मिर्चे अपने स्वाद भर डाल देते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको पकाते हैं 20 मिनट। 20 मिनट के बाद दोस्तों सब्ज़ी बन जाती है, और सब्ज़ी दोस्तों चाहे चावल से खाएं या रोटी से खाएं बहुत ही अच्छा होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बाकला के फ़ायदे के बारे में बताएँगे आपको कि बाकला रोज़ाना 1 कप फली को खाने से दिल की बीमारी दूर रहती है, और इसके 5 फायदे होते हैं। इसकी फली काफ़ी मात्रा में उपयोगी होती है। नंबर 2, पोषण का पावर हाउस कहते हैं इसको, इसको पोषण का पावर हाउस कहते हैं, पोषों का पावर हाउस कहते हैं। ग्रीन बीन्स जाने जाते हैं, और ये ग्रीन बीन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हरी बीन्स खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, यह आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन लेसिक आई सर्जरी में फ़ायदा है, ये वज़न को बढ़ाने का काम करता है। ये डायबिटीज हो, कैंसर हो, हड्डी रोग को रोगों से बचाता है, और हड्डी को ये सर्जिकल करता है दोस्तों। दोस्तों बाकला के दाल फायदा ऊर्जा प्रदान करती है, हृदय के लिए फावा बीन्स के लाभ हैं दोस्तों, ये रक्तचाप को बढ़ाता है, और फावा बीन्स के फ़ायदे को बताता है दोस्तों। बाकला दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके हाथ पैर में दोस्तों
कंपन है दोस्तों, आपका हाथ पर हिलता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों बाई कहते हैं। अगर बाई के रोगी हैं दोस्तों तो दोस्तों अधिक मात्रा में दोस्तों बकला खा सकते हैं दोस्तों। बकला बीन्स बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, ये कैंसर के रोगियों को भी ठीक कर देता है दोस्तों, ये रक्त खून को बढ़ाता है दोस्तों, ये विटामिन से भरपूर मात्रा पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को दोस्तों नए यूजर जो हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लेंगे जो दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देंगे। जो पुराने यूजर हैं दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों वो दोस्तों लाइक कर देंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।